बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर 10 दिन पहले रुपईडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंटावा निवासी युवक की हत्या हुई। हत्या का राज फांस हो गया। महिला व उसके जीजा के बीच प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति को बियर पिलाने के बाद उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके जीजा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि रुपईडीहा के अंटावा निवासी कलीम खान की हत्या के मामले का राज फांस कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक की पत्नी व उसके शाडू के बीच अवैध संबंध थे। उसका पति संबंधों में रोड़ा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि नानपारा कोतवाली क्षेत्र के अल्लाहपुरवा निवासी कलाम खां व मृतक की पत्नी शबनम को बाबूकुट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पिछले 15 मार्च को दोनों ने मिलकर कलीम की हत्या की योजना बनाई। 6 कैन बियर पिलाकर सरयू नहर बांध पर ले गए और नशे के हालत में दोंद्रा नाले के निकट कलीम की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय बहराइच के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना रुपईडीहा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 15/3/2022 को कलीम खां पुत्र ननकुन्ने निवासी अंटावा थाना रुपईडीहा, ये अचानक कहीं गायब हो गए थे, जिसके संबंध में इनकी पत्नी द्वारा 19/3/2022 को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। दिनांक 23/3/2022 को आमा पोखर के पास नाले में एक बोरे में एक लाश मिली, जिसको स्थानीय पुलिस द्वारा बाहर निकलवाने पर पहचान मृतक कलीम खां पुत्र नकुन्ने के रूप में हुई। इनके भाई द्वारा बताया गया कि मुझे शक है कि मृतक की पत्नी और उनके शाडू कलाम द्वारा ही मेरे भाई की हत्या की गई। इन लोगों को हिरासत में लेकर के थाना रुपईडीहा पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ की गई है। पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर मोटरसाइकिल और उस स्थान पर जहां पर उसकी हत्या की गई है के पास बियर की कैन बरामद की है पुलिस ने। साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके साधु कलाम, जो कि थाना रुपईडीहा का ही निवासी है, गिरफ्तार करके जेल रवाना किया गया है। इसमें सुसंगत साक्ष्य एकत्र करके इस जघन्य अपराध में इनको कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।